देश और दुनिया में समाज को जोड़ने की बात हो रही है और समाज के उत्थान के लिए समाज विशेष रूप से किस ओर जाए और एक परिवार को मजबूती प्रदान करे, इसके लिए समाज बहुत कुछ कर रहा है। हमारे साथ में दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष हैं जी, बताएं किस गजराज जी, किस तरह से आप अब कवायद में जुटे हुए हैं कि समाज एकजुट हो और नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ समाज चले, नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। अभी हमारा सोच एक ही है जी कि पहले सारे समाज को संगठित करना जी, संगठित करके जो भी समाज में हमारे से जो तकलीफ में है परिवार, हर परिवार को कैसे ऊंचा उठाया जाए। अभी हम लोग इसी के अंदर में पूरे समाज में काम कर रहे हैं और बहुत परिवारों को हमने ऊपर उठाया है और हम चाहते हैं कि जैन दिगंबर जैन समाज का कोई भी परिवार आर्थिक स्थिति के चलते कोई तकलीफ ना हो, ऐसी व्यवस्था समाज में हम कर रहे हैं। यूँ तो कई समाजों में विवाह के प्लेटफॉर्म तो बने हुए ही हैं, लेकिन आपका समाज क्या नया डेवलप कर रहा है जिससे आने वाले समय में जो विवाह के जो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसके लिए महासभा आज के दिन एक काम कर रही है कि कितने परिवारों में आर्थिक अभाव से बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आती है, तो भारत दिगंबर जैन महासभा ऐसे परिवारों को 1,00,000 रुपये का अनुदान देती है और बच्चों की शादी करवाती है। दिगंबर जैन समाज हो या श्वेतांबर समाज हो, क्या पूरा जैन समाज एक रूपता में आ सकता है? पहले हम दिगंबर समाज की तो बात करते ही हैं, लेकिन हमारी सोच है कि पूरे दिगंबर सितंबर स्थानकवासी 13 पद समाज पूरा जैन समाज को जागृत करके और समाज को एक प्लेटफॉर्म में लाना, यही हमारा मेन उद्देश्य है। हमारे साथ में चंद्रराज जी सिंह भी हैं, समाज को तो जोड़ते ही हैं, कई पार्टियों को भी जोड़ते हैं, कई नेता के दिलों को भी जोड़ते हैं, विशेष करके जी बताएं। हम दिगंबर गजराज जी गंगवास साहब के निर्देशन के अनुसार केवल समाज में राजनीति को नहीं जोड़ना चाहते, राजनीतिक शक्ति के रूप में भी समाज को जोड़ना चाहते हैं। हम मिलजुल कर काम करेंगे और जैन एकता और जैन राजनीतिक शक्ति का एक परचम लहराएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा।